गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। कल जैसे मैंने बताया 6 दिन यानी कल शुरू हुआ है नाम महिमा। फिर महाराज ने जबलपुर में जो प्रवचन किए तो उनको सुन के छोटा सा ग्रंथ नाम महिमा का, उसी ग्रंथ से कल अघमोचन वाली कथा हमने पढ़ी और आज उसी ग्रंथ में से एक दूसरी कथा पढ़ने जा रहे हैं। कथा 3-4 मिनट में पढ़ लेंगे, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नामोच्चारण का अद्भुत फल परम पूज्य महर्षि का आज का जो विषय है, इस विषय पर हमको ध्यान देना है। कथा प्रसंग से महात्मा लोग वो जो विषय है वो हमारे चित्त में उतर जाए उसके लिए ये कथा प्रसंग सुनाते हैं। तो है भी चित्त में उतरने लायक, कल भी अग्निमोचन वाली कथा हम सब ने सुनी। आज परम पूज्य महर्षि बताने जा रहे हैं कि वैसे तो नामोच्चारण के फल का शास्त्र वर्णन करते हुए थकते नहीं हैं, पर यहाँ एक अद्भुत फल का वर्णन करने जा रहे हैं इस कथा के माध्यम से। अजामिल की श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा हम लोग सुनते ही हैं, नाम नहीं नामाभास, अपने पुत्र का नाम बुलाया और देखिए क्या ठाकुर जी की कृपा। तो ऐसे ही आज वाली कथा में हम देखेंगे कि कैसे वो जो नास्तिक भाई था उस सेठ का, तो उसके द्वारा संत ने भले निषेध रूप से ही, मैं राम का नाम नहीं लूँगा नहीं लूँगा नहीं लूँगा, तो बस वो राम राम का नाम यानी राम शब्द आ गया उसके मुंह में। अब संत ने एक उसको सलाह दी और वो जो सलाह थी वो बड़े काम की निकली। तो ये तो सब हम कथा में सुनेंगे ही। यहाँ अभी इस समय जो कलयुग जिसमें हम लोग बैठे हैं, जिस युग में, एक समय सतयुग था, त्रेता था, भगवान राम का अवतार हुआ, फिर द्वापर आया, फिर अब ये कलयुग आया 4,32,000। तो भगवान कृष्ण का वैकुंठ गमन हुआ और तुरंत कलयुग प्रारंभ हो गया। तो कलयुग में ऋषियों ने विचार किया, क्योंकि प्रत्येक युग में कोई ना कोई साधना प्रधान होती है, कहीं पर ध्यान प्रधान है तो कहीं यज्ञ प्रधान है तो कहीं जप प्रधान है। तो कलयुग को बताया है कि नाम जप ही मुख्य साधना। इसका अर्थ ये नहीं है कि ध्यान और वेदांत विचार और ये सब नहीं करना है, पर सर्वसाधारण के लिए नाम जप ही, नाम जप कहिए संकीर्तन कहिए। कल राम भैया का मैंने सुना तो कल बता रहे थे वो अपने उसमें कि क्योंकि लोग तामसिक होंगे यानी सत्व रजस तमस, ये 3 ही गुणों में हमारा जीवन चलता है, तो कभी सत्व की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की प्रधानता होती है, कभी तमोगुण की प्रधानता होती है। आलस्य आ रहा है, निद्रा आ रही है, तंद्रा आ रही है, ऊब रहे हैं, तो ठीक है सो जाओ। तो ये जो तमोगुण है ये ऋषियों ने देखा कि कलयुग में इसी की प्रधानता रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा रजोगुण।
तमोगुणी आपको मिलेंगे। कभी कभी हम अपने ही जीवन में देखें, लगता है सोए रहे, उठे ही नहीं। तो कलयुग में तमोगुण की प्रधानता रहेगी, पर इसके साथ ही साथ ऋषियों ने ये भी देखा कि रजोगुण भी प्रधान रहेगा। तो प्रधान तो एक ही रहेगा, तो रजो तमोगुण प्रधान, दोनों को मिला के कह देते हैं कि कलयुग जो है वो रजो तमोगुण प्रधान रहेगा। यानी सात्विक गुण जो है, सत्व गुण जो है, वो बहुत कम देखा जाएगा, मिलेगा पर कम मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ऋषियों को सोचना पड़ा कि कौन सा साधन ठीक होगा। सात्विक गुण की प्रधानता होती तो ध्यान यज्ञ आदि जो उच्च कोटि के साधन हैं उसका विधान कर देते, पर जब देखा कि व्यापकता जो है वो तो इन्हीं दो गुणों की रहेगी, तो राम भैया सुना रहे थे, किसी साधक ने कहा होगा तो उसकी बात सुना रहे थे कि तमोगुण को हटाने के लिए संकीर्तन, अभी 24 घंटा अखंड कीर्तन हुआ यहाँ, तो संकीर्तन में क्या है कि तमोगुण हट जाता है उसमें। तो आप देखेंगे इस्कॉन वगैरह में कि कीर्तन के साथ साथ नृत्य भी है, तो नृत्य कर रहा है व्यक्ति तो तमोगुण कहाँ रहेगा, यानी तमोगुण हट जाएगा। अच्छा, कल्पना करो कि तमोगुण अभी समय नहीं है, रजोगुण है, प्रवृत्ति में मन लग रहा है, तो वो प्रवृत्ति जो हम करने जा रहे हैं वो अनावश्यक है और उससे अनर्थ होने वाला है। तो संत कहते हैं कि माला दे देते हैं हरेक के हाथ में, माला झूली, दत्ताउद्धव जी आए, आपने देखा सबके हाथ में माला, जितने शिष्य थे सबके हाथ में माला, स्वयं दत्ताउद्धव जी। तो ये क्यों करते हैं कि रजोगुण जो प्रवृत्ति है उसमें अनावश्यक व्यक्ति और कर्म बंधन में न फंसे, कि जो कर्म करेगा उसमें पाप कर्म होगा, पाप कर्म बंधन में डालेगा। इस विषय को लेकर अभी आचार्य जी शिव मंदिर में बड़े विस्तार में विचार कर रहे हैं, श्वेता सूत्र में भी शुरू में इस पर विचार आया है। तो रजोगुण को हटाने के लिए यानी रजोगुण को पार करने के लिए नाम जप। कदाचित सत्वगुण आ गया जो कि बहुत कठिन है, पर कल्पना करो कोई कोई हजारों में एक जो है वो सत्वगुणी है, तो उसके लिए बता दिया कि तुम ध्यान करो। तो बात हमको बड़ी अच्छी लगी कल जो उन्होंने प्रवचन में बताई। आज हमारा जो प्रसंग है, मैं भूमिका के रूप में ये बात बता रहा हूँ कि नामोच्चारण का अद्भुत फल, अद्भुत फल का अर्थ है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, एक नाम राम अजामिल वाला छोड़ दीजिए, यहाँ तो निषेध के रूप में कि मैं नाम नहीं लूँगा, चलो वहाँ तो मुख्य अजामिल प्रसंग इसलिए है कि भगवान के पार्षदों और यमराज के दूतों के बीच में क्या संवाद हुआ, उस संवाद को बताने में अजामिल का प्रसंग का वहाँ भागवत महापुराण में लिया गया है उसको। तो वहाँ कहा कि भाई इसने तो अपने ठाकुर जी का नाम थोड़ी लिया, यमराज के दूतों ने कहा इसने अपने बेटे का नाम लिया और ये तो पापी है और इसको तो हमारे साथ आपने कैसे हमको पीट पाट के और इसका प्राण छुड़ा दिया। अब अजामिल को सब पूरी घटना दिख रही है, आपस में भगवान के पार्षद और ये यमराज के दूतों का संवाद चल रहा है। सचमुच में उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया कि ऐसा भी हो सकता है, मैंने सचमुच में बुलाया तो बेटे का नाम, ठाकुर जी की कृपा देती, क्या कहा पार्षदों ने, पार्षदों ने कहा कि तेरे बेटे का नाम नारायण पहले है कि हमारे ठाकुर जी का नाम नारायण पहले है। अरे भाई, नारायण हमारे ठाकुर जी का नाम तो अनादिकाल से है, तूने तो बेटे का नाम अभी रखा है। तो बड़ा विचित्र संवाद था। बोले कि
तुमने धर्मशास्त्र देखे नहीं? तो धर्मशास्त्र यानी वेद, तो वेद में ये भागवत धर्म भी है, सिर्फ कर्मकांड ही थोड़ी है कि भाई इसने अपराध किया है और इसको ले जाओ। भागवत धर्म में भागवत के भगवान के पार्षदों ने कहा कि किसी के नाम से हमारे जो स्वामी हैं उनका नाम अगर निकल गया किसी के मुंह से तो उसको तो सब जितना उसके पाप है सब खत्म हो जाते हैं। अब तुम कह रहे हो कि ये पापी है, हम इसको ले जाएंगे। अरे तुमने कम से कम इतना भी ज्ञान तुमको नहीं है। तो बड़े बेचारे आश्चर्य में पड़ गए वो यमराज के, जो कि हमको तो कुछ और कहा गया है और ये कुछ और बता रहे हैं। जाके बताते हैं कि वो पासे वगैरह थे जो मतलब जिससे निकालते हैं प्राण, फेंक दिया यमराज के सामने। ये क्या कैसे कितने मालिक हैं इसकी सृष्टि के, हम तो आपको ही मालिक समझते थे, राज हमारी पिटाई हुई। तो यमराज ने पूछा कि वर्णन करो किन्होंने पीटा। बड़े ऐसे थे चतुर्भुज थे और ऐसे पीताम्बर पहने थे और बड़े अच्छे दिखने में लग रहे थे। यमराज के झरझर आंसू आने लगे। बोले कि तुम लोग तो बहुत भाग्यशाली हो, भगवान के पार्षदों का तुमको दर्शन हुआ। और फिर यमराज ने कहा कि आज से ये नियम बना लो कि जहाँ भगवान का नाम चल रहा हो वहाँ हमको नहीं जाना है। तो कहने का भाव ये है कि इस आज की घटना में तो अद्भुत फल का अर्थ है कि उसने निषेधात्मक नाम लिया और हम देखेंगे कथा में कि उसका क्या हुआ। पंजाबी सेठ दो भाई थे। बड़ा भाई तो महात्माओं का बड़ा भारी भक्त था, किंतु दूसरा बड़ा विरोधी था। चलो स्वयं भक्ति न करे तो कोई बात नहीं, पर विरोधी था, खंडन करता था, आलोचना करता था, निंदा करता था। किनका? ये सब जो है अपने भाई की भी निंदा करता था और दूसरे जो है ये सब पाखंडी है ना, मंदिर में जाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। अच्छा, बड़े भाई के मन में ये चिंता थी कि हमारा भाई भक्त कैसे हो जाए, चलो इसके तो पूर्व जन्म के कर्म समझो। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि एक ही माँ के पेट में पता नहीं कौन कहाँ से आवेगा। आवश्यक नहीं कि सभी बच्चे जो हैं एकदम है ना, एक बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, अब दूसरा जो बच्चा है वो माँ के पेट में आया है कहाँ से, पूर्व जन्म में पहलवानी करता था, अब वो पहलवानी करता था तो उसके बाद जब माँ के पेट में आया तो अब माँ सोचती है कि ये क्यों नहीं इतना फर्स्ट आता है। तो ये तो बड़ी विचित्र लीला है ना, भाई दोनों पर एक भक्त और दूसरा निंदा करें। तो अब बड़े भाई की स्वाभाविक है कि चिंता कि भाई हमारा भाई भक्त कैसे हो जाए। चलो पढ़ाई वढ़ाई करने में तो कोई बात नहीं, वो तो जैसी जिसकी बुद्धि है, पर भक्त तो हो ही सकता है, कम से कम निंदा करना छोड़ दे ना, विरोधी है ये तो, इसका कल्याण कैसे हो। हृदय में ये बात रहती थी कि इस प्रकार जो ये कर रहा है इससे तो इसको नरक जाना पड़ेगा। तो इसके हृदय में बेचारे की बनी रहती थी कि इसका कल्याण कैसे हो। यहाँ महर्षि की एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, भागवत की एक बात बताई है महर्षि ने, इसे आनंद रस रत्नाकर में है, पृष्ठ संख्या 93। तो हम कर चुके हैं 2 अप्रैल में, पर वो ऐसा तो आवश्यक नहीं कि सब बातें याद हो। तो हमको ध्यान में आया कि 2 अप्रैल में, चलो ये भाई जो चिंतित था तो वो स्वाभाविक है, कोई भी जो भजन साधन करने वाला है वो चाहेगा कि चलो भाई हम आश्रम में रह रहे हैं सब लोग है ना, इस प्रकार उनमें अच्छे मतलब संस्कार आवे। तो एक विलक्षण बात में महर्षि ने कहा है कि श्रीमद् भागवत में कई बातें बड़ी विलक्षण, कई बातों में एक बात का यहाँ संकलन किया है। जैसे एक गृहस्थ है, यदि यह जोड़ देता है, कौन
वो गृहस्थ यह जोर देता है कि मेरी पत्नी, पुत्र, भाई आदि भी भजन करें, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। जिस प्रसंग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो भाई के हृदय में ये आना कि इसका भी कल्याण कैसे होवे, तो अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है कि वह बड़े सज्जन पुरुष हैं। अपना छोटा भाई जो कि विरोधी है, उसको भी चाह रहे हैं कि भक्त हो जाए, भक्ति भाव का प्रचार कर रहे हैं। परंतु भागवत धर्म यानी श्लोक संख्या दिए महर्षि ने, सातवें स्कंद के 14वें अध्याय का 6ठा श्लोक, उसमें क्या कहा है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, सॉरी, नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर को कि यह मेरा बेटा संबंधी आदि है, यह ख्याल किए बिना संसार में वे जो करना चाहते हैं, कौन बेटा या संबंधी या जो भी, उनको करने दो। मूल श्लोक में ही कह दिया युधिष्ठिर जी ने, क्योंकि युधिष्ठिर का प्रश्न था कि क्या गृहस्थ में, घर में रहते हुए ऐसे जो अवधूत हैं, वहाँ ये लोग यात्रा कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर जी ने दत्तात्रेय अवधूत को, बल्कि उन्होंने ये कथा सुनी थी अपने यदु वंश में, यदु जी जब यात्रा कर रहे थे तो दत्तात्रेय जी अपना आराम से पड़े थे धूल में, तो वो प्रसंग उन्होंने सुन रखा था। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि क्या ऐसी रहनी, ऐसी मौज गृहस्थ में रहते हुए भी हो सकती है क्या? तो बोले हाँ, वो महात्माओं की मौज गृहस्थ में रहते हुए हो सकती है। और उसमें बहुत सारे वहाँ श्लोक हैं, कम से कम 7-8 श्लोक हैं कि उसको क्या करना पड़ेगा। तो उसमें एक श्लोक ये भी है, क्या कि यह मेरा बेटा संबंधी आदि है, यह ख्याल किए बिना संसार में वे, यानी संबंधी या पुत्र या जिसके लिए भी, जैसे छोटे भाई के लिए चिंतित था उसका कल्याण कैसे हो, तो वे जो करना चाहते हैं उनको करने दो। तुम भगवान को अपना समझो। प्रश्न ये था कि हम कैसे गृहस्थ में उस महात्माओं के आनंद में, तो महात्माओं के आनंद के लिए ये सब उपेक्षा करनी पड़ेगी। संबंधियों, अब उसी की महर्षि व्याख्या कर रहे हैं, संबंधियों को अपना समझकर उन पर अपना मन मत ला दो। हालांकि आज के प्रसंग में इसका कोई औचित्य नहीं है, पर ये एक बात हमको याद आई कि ये भी एक विलक्षण बात भागवत में बताई है ना। खैर, इसका तो चिंता होना सफल हो जाएगा क्योंकि उसका कल्याण हो जाएगा, परंतु कह रहे हैं कि संबंधियों को अपना समझकर उन पर अपना मन मत ला दो। यदि तुम अपने मन की बात क्यों नहीं ला दे, बता रहे हैं परम पूज्य महाराज श्री श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, यदि तुम अपने मन की बात उनके ऊपर लादना चाहते हो तो तुम भगवान से ममता नहीं करते, अपने बेटे आदि से ममता करते हो। स्वाभाविक है। अरे भाई, माँ कह रही है बच्चा जो है वो तो जाता नहीं बिहारी जी, कल्पना करो वृंदावन में रहता है परिवार, माँ कहती है बिहारी जी जाएगा, और वो कहता है कि नहीं, हमको तो पढ़ाई करनी है ना, हमारे तो ठाकुर जी यही है। तो माँ को बड़ा कष्ट होता है, देखो कहना नहीं मानता। तो ये क्या है, कह रहे हैं तुम भगवान से ममता नहीं करते, अपने बेटे आदि से ममता करते हो। तो महाराज क्या ऐसा नहीं करें, उनका स्वभाव बिगड़ जाएगा वो, है ना, हम जो उनको कहेंगे और अगर कर लेंगे तो उनके कल्याण है। बोले कि वो सामान्य लोगों की बात नहीं हो रही है, ये विलक्षण बात किसको कही जा रही है, युधिष्ठिर को। किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा। किस प्रश्न के उत्तर में? कि क्या हमको महात्माओं का आनंद मिल सकता है क्या गृहस्थ में रहते हुए, उसके उत्तर में कहा जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं महर्षि, उसको समझा रहे हैं कि अगर हम अपनी मन की बात ऊपर लादना उन पर चाहते हैं तो हमारी ममता फिर किससे है? भगवान से नहीं। हमारी ममता जो है
अपने बेटे आदि से यार, जिसके ऊपर भी हम अपना जो भाव है लादना चाह रहे हैं, तो अब महाराज जी इसका समाधान करते हैं कि ऐसे कैसे रहा जाएगा। युधिष्ठिर मानो पूछे कि भाई ये कैसे संभव है, तो उसको बता रहे हैं देखो उनमें भी भगवान है। इस बात को समझो कि वो जिस बेटे पर तुम अपनी बात लाद रहे हो उनमें भगवान है कि नहीं है। महर्षि ने 365 पृष्ठों में, मैं हमेशा कहता हूँ कि जनवरी में जो बात कही है एक पैराग्राफ दो तीन पंक्ति, और सब भूल जाए तो भूल जाए, यानी आनंद रस रत्नाकर नहीं, जितना हमारा ज्ञान है वो सब भूल जाए, और एक बात न भूले कि हमारे इसी हृदय में इस सृष्टि का जो स्वामी है वो रहता है। देखो उनमें भी भगवान है, उनके मन को भी भगवान प्रेरणा देगा, जब सही समय आवेगा, है ना। हम तो डॉक्टरी कर रहे थे, हमको क्या पता था कि हम सन्यासी बनेंगे, पर जब सही समय आवेगा तो भगवान को पता है कि किसने कितनी साधना पिछले जन्म में कर चुके हैं। ट्रांसफ़र होता है व्यक्ति का तो बच्चों के साथ जाता है, तो अब वो आठवीं कक्षा में पास हो गया तो वृंदावन से भोपाल जाएगा, तो भोपाल में ये थोड़ी है कि उसको कहेंगे शुरू से वापस करो, उसको नौवीं कक्षा में भर्ती कर देंगे। तो ठाकुर जी जानते हैं कि किसने कितनी साधना कर रखी है पूर्व जन्म, तो जब सही समय आवेगा, महर्षि क्या कह रहे हैं, उनमें भी भगवान है, उनके मन को भी भगवान प्रेरणा देगा। हमारे शर्मा जी ने कभी सोचा ही नहीं था यहाँ गोपालगढ़ में रहना पड़ेगा। हमारे उमेश वाले लखनऊ रहते थे अपना आनंद से, आज भी कहते हैं कि वहाँ की जो मौज है वो कहाँ है, उमेश में थोड़ी है, छोटा सा फ्लैट, उसमें कैद करके कैद बने रहो। तो पर ये तो ठाकुर जी वहाँ लाएंगे ही जहाँ उनको आगे बढ़ाना है। यदि वे सीधे भगवान की ओर नहीं चलेंगे, कल्पना करो कि ठाकुर जी तो अब चलाएंगे, समझो कि हम डॉक्टरी हमारी हुई हुई है, हम सोचे कि हम क्यों सन्यासी बने, हैं बोले कुछ नहीं हमारी नहीं चलेगी। यदि वे सीधे भगवान की ओर नहीं चलेंगे तो एकाध चपत लगाकर भगवान उनको अपनी ओर कर लेगा, हमारा विश्वास कहाँ है, हमको तो लगता है हमको ही उसको भक्त बनाना पड़ेगा। तो खैर आज वाला प्रसंग इसका अपवाद है, पर महर्षि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये भागवत की विलक्षण बात, और अंत में एक बहुत गजब की बात कहेंगे, वो भी सुन लीजिए। तुम भगवान का भजन काहे को छोड़ते हो, चलो ये तो प्रसंग पूरा हो गया, पर महर्षि क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रवचन कर रहे हैं और वो चलो भागवत का समझो सप्ताह चल रहा है या पाक्षिक चल रहा है उसमें बोल रहे हैं, पर एक टिप्पणी अपनी ओर से कर दी। अरे वो स्वयं गृहस्थ थे, है ना, पर क्या टिप्पणी करी, मेरी समझ में एक गृहस्थ के लिए यह बात जरा मुश्किल तो है, या वह बात का मतलब जो नारद जी ने जो बात कही वो बात मुश्किल है। तो बात चूंकि यहाँ आ गई तो यह बात भी ठीक है। तो यहाँ पर नामोच्चारण का अद्भुत फल में वो प्रसंग से हमको ये याद आ गई, इसलिए उसको थोड़ा दोहरा दिया। अब ये जो कथा है ये तो बहुत ही सरल है। एक दिन कोई बड़ा लंबा तगड़ा पंजाबी साधु आया, कहाँ आया, उनके घर में, दोनों भाई तो थे ही, तो छोटा भाई कहीं बाहर गया हुआ था, तो इसने अब संत तो आते ही रहते थे और वही तो उसको अच्छा नहीं लगता था, ये संत आते हैं और या ना अपना ये जो है हमारे भाई साहब देते रहते हैं दक्षिणा और खिलाते पिलाते रहते हैं। तो उसने कहा कि महाराज किसी प्रकार हमारे भाई का कल्याण कर दीजिए। अब वो लंबा तगड़ा पंजाबी साधु है ना, तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उससे हमको मिलने दो। तो संयोगवश मिल गया, बात चल रही थी और वो बाहर से आया, तो छोटा भाई जब आया तो बताया बड़े भाई ने कि मैं इसी के बारे में कह रहा था। तो महात्मा जी उसको देखकर बोले, ए सेठ सुन, अब दोनों सेठ ही हैं, भगवान राम का नाम ले। उसने कहा कि हम किसी का नाम वाम नहीं लेते, हम अपने आप में मस्त हैं,
महात्मा बोले कि नहीं लेना पड़ेगा, है ना। और ये चूँकि संक्षेप में लिया है मैंने, पर बड़ी कहा सुनी हुई है ना, बार बार मना करे और ये बार बार कहे महात्मा कि लेना पड़ेगा। तो अब जब वो मना किया तो फिर इसने धमकी दी महात्मा ने, नहीं तो हम तुमको गला घोट कर मार डालेंगे। अब वो इतना लंबा तगड़ा है पंजाबी साधु, तो सोचा कि ये है तो मुश्किल, पर वो भी पक्का था। उसने झुंझला कर कहा कि मैं नहीं लेता राम का नाम। वो बार बार कहे महात्मा राम का नाम ले, राम का नाम ले, राम का नाम ले, तो उसको कहना पड़ा। कहना पड़ा यानी यानी अपनी दृढ़ता, मैं नहीं लेता राम का नाम, बस उसका काम बन गया। वहाँ तो ये यहाँ रास में भी बताते हैं, मैंने तो नहीं देखी, पर ये इसका वो नाट्य करते हैं, तो नाट्य में वो चढ़ गया, उसको गिरा दिया, उसको पटक दिया है ना, पटक के लेकिन लेता है कि नहीं लेता, नहीं गला घोट के मार डालूंगा। तो उसने झुंझला कर कहा नहीं लेता राम का नाम, चाहे तुम मुझे मार डालो। तो साधु ने कहा बस बस हो गया, साधु उसके पटक के उसके ऊपर चढ़ गए थे, उतर गए, उतर के बोले बस बस हो गया। जैसे उसके मुंह से इतना निकला कि नहीं लेता राम का नाम, राम शब्द आ गया, तुरंत महात्मा उतर गए, बोले हो गया। क्या हो गया? उसने कहा राम का नाम लिया, उसने कहा नहीं लेता राम का नाम, तेरे मुख में भगवान का नाम आ गया। महात्मा अब उसको समझा रहे हैं। वो तो नास्तिक था, उसको लगा कि फालतू की बात करते हैं। देख अब मेरी एक बात याद रखना, क्या एक बात ध्यान में रखना, इसको किसी कीमत पर बेचना मत, कितनी भी कोई कीमत दे। एक भाई तुमको वैकुंठ देते हैं है ना, तुमको ब्रह्मलोक देते हैं, तुमको गोलोक देते हैं, तुमको कैलाश देते हैं, देते हैं मतलब वहाँ भेज देते हैं, किसी भी कीमत पर उसको बेचना। उन्होंने उसको ये उपदेश किया, महात्मा जी चले गए। अच्छा जी आगे क्या हुआ? जब वह व्यक्ति मरा और मरने के बाद यमदूत, स्वाभाविक है उसके तो पाप भी थे सब दुनिया भर के, तो यमदूत उसे यमपुरी ले आए। अब यमराज ने भी पोथी पन्ना उसका देखा तो यमराज ने कहा कि तूने सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है। अच्छा यमराज को भी मालूम है, वो भी झुंझला के कि नहीं लेता राम का नाम, तो ये भी यमराज को पता है, पर फिर भी राम का नाम तो निकल ही गया, तो उसके बदले में जो चाहे ले ले, है ना भाई। अब तो आ तो गया नरक में, पर जो भी मांगना है तो मांग ले और फिर अपने कर्मों का फल भोगने नरक में जा। तो उसको साधु की बात याद आ गई, उसने कहा आप जो ठीक समझो दे दो, क्योंकि अब इसको बेचना नहीं है ना, तो अब वो कोई मांग नहीं करता। तो यमराज के बही खाते में नाम के बदले में क्या दिया जा सकता है ये नहीं लिखा था। रुक्मणी को नारद जी ने मतलब सत्यभामा को बहका दिया कि पारिजात का फूल जो है वो रुक्मणी को दिया, तो सत्यभामा जो है बड़ी रूठ गई। तो भगवान ने बड़ा मनाया जब सत्यभामा के पास आए, नहीं मानी। नारद जी ने लगाई थी आग, तो वर्णन आया है कि कैसे क्या करें। बोले कि अब हम तो तुम्हारे अधीन हैं, सत्यभामा को कहा माने मान जाए तब ना, सब ठाकुर जी सब लीला करते हैं, हम तुम्हारे अधीन हैं, जो चाहो करो। बोले ठीक है आप हमारे अधीन हैं तो हम आपको नारद जी को देते हैं, क्योंकि जो वस्तु अपने अधीन है हम जिसको चाहे दे सकते हैं। नारद जी ने भगवान कृष्ण को वीणा थमाई, बोले चलो हमारे साथ। अब देखा पूरे द्वारका में कि नारद जी जो है भगवान कृष्ण को लिए जा रहे हैं, तो बाद में सभी रानियां दुखी हो गई,
सत्यभामा को भी लगा कि तो बड़ा गलत हो गया। तो बोले कोई बात नहीं नारद जी, आप उनको लौटा दो। बोले अब लौटेंगे नहीं, अब तो तुमने दे दिया है दान। अब नारद जी के प्रति सत्यभामा को बड़ी चिरौरी विनती करनी पड़ी और नारद जी नहीं माने। अंत में जाकर ये फैसला हुआ कि इनके बराबर की तोल का, ठाकुर जी के बराबर की तोल का जो भी हो, स्वर्ण हो, हीरा हो, मोती हो, पन्ना हो, उतना दे दिया जाए दान में, ठाकुर जी को हम दे देंगे। इस पर नारद जी मान गए और ठाकुर जी को तोला गया। और तोले तो ठाकुर जी हल्के, ठाकुर जी जो है और वो भारी हो जाए और ये पलड़ा जो सोना वगैरह है वो हल्का हो जाए। यानी उनके तोल में, भगवान की तोल में कोई भी राशि कितनी भी संभव भी नहीं है, आप जानते ही हैं। तो अब क्या करें? तब फिर श्री महात्मा ने बताया कि तुलसी के पत्ते पे कृष्ण लिख के और ये हटाओ, सब सोना वोना सब हटाओ। जैसे ही वो नाम तुलसी पे लिख के रखा गया उस पलड़े पे, है ना, वो नाम भारी हो गया, ठाकुर जी हल्के हो मिल गए ठाकुर जी वापस। तो यहाँ बता रहे हैं कि तुमको उसने कह दिया नास्तिक ने कि आप जो ठीक समझो दे दो। अब यमराज के बही खाते में नाम के बदले में क्या दिया जा सकता है ये नहीं लिखा था, तो करें तो क्या करें? बोले इंद्र के पास चलें, शायद उसके पास मालूम हो उनको। तो इंद्र के पास गए उस पापी सेठ को लेकर, इंद्र को भी नहीं मालूम था। तो अब वो सेठ और यमराज और इंद्र तीनों मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको भी नहीं मालूम। तब सब मिलकर शंकर जी के पास पहुँचे। तो एक सेठ हो गए और शंकर जी, यमराज, इंद्र और ब्रह्मा जी। तो शंकर जी ने भी कहा कि हम तो सहज स्वभाव से नाम लेते हैं, अतः हम इसकी कीमत को नहीं बता सकते। तो ये चार हो गए और सेठ पांचवा। तो हुआ क्या कि अब वहाँ पर ये जहाँ घटना घटित हो रही है, ब्रह्मलोक और है ना कैलाश, और तो पापी सेठ की बुद्धि भी सूक्ष्म हो गई वहाँ की हवा लगने से ही, है ना, उसके पाप आप सब दोष मिट गए। उसने कहा, और देखिए उसको क्या बुद्धि आई, उसने कहा कि अब हम यहीं रहकर भगवान का नाम लेंगे। यानी तुम हमको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बैठ गया, कहीं जाएं आएंगे नहीं। तो फिर एक पालकी लाई गई, है ना। चारों ने कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, है ना, निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अब निर्णय लेने वाले एक ही हैं, हमारे नारायण विष्णु। तो फिर एक पालकी लाई गई और उसमें यमराज, इंद्र, ब्रह्मा एवं शंकर चारों लगे। तो पूरा का पूरा दिखाते हैं रास में, मतलब रास में बहुत सारे नाट्य भी दिखाते हैं, कथाएं भी दिखाते हैं। तो वो चारों लगे और पापी को पालकी में बैठा कर विष्णु भगवान के पास ले गए। अब विष्णु भगवान तो भोले भाले, उन्होंने सोचा कि कोई बहुत बड़ा भक्त होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी पालकी को उठाने में शंकर जी और इंद्र और है ना ब्रह्मा और यमराज लगे हैं, कोई सामान्य तो है नहीं। आसन से उठे कौन? विष्णु भगवान। उसको पालकी से उतार कर अपने हृदय से लगाया और अपने सिंहासन पर ले जाकर बराबर बैठा लिया। स्वाभाविक है, इतना बड़ा भक्त है जिसको ये लोग उठा के लाए हैं। अब बैठ तो गया वो विष्णु भगवान के बगल में, पर अब ये लोग प्रश्न कर रहे हैं, कौन? यमराज की हेडेक तो उसी का है, सिर दर्द है, बाकी इंद्र को ये लोग तो लग गए साथ में। तो प्रश्न हुआ कि इसने झुंझलाकर एक बार नामोच्चारण किया है तो इसके बदले इसको क्या दिया जाए? विष्णु भगवान ने कहा कि देखो भाई, अब मैं तो इसको मिल गया। यमराज ने पूछा कि इसके बहुत सारे पाप हैं, उनका क्या होगा? आप मिल गए, वो तो हम भी देख रहे हैं, आपने बड़ा गले से लगाया और आप आसन से उतर कर, पर आपको पता नहीं है,
हमारा जो पोथी पन्ना में इसने इसके बहुत सारे पाप हैं, उनका क्या होगा? तब भगवान को कहना पड़ा जो मैंने बताया है ना, यमराज ने अपने दूतों को कहा कि जहाँ ये भगवान का नाम चलता है वहाँ मत जाना। भगवान बोले कि मेरे मिलने के बाद तो ये पाप ताप भोगने के लिए जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे धाम का नियम ही यही है। नारायण 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 श्री राम।